प्यारी लाल जी की, बोल बांके प्यारी लाल की जय। फोटो खींचो बोल। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, मेरे न्यू ब्लॉग में आज आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड तो आज बिहारी जी के दर्शन करने हम लोग चल रहे हैं, बस अचानक बिहारी जी ने हम लोग को बुला लिया है। फ्रेंड तो बिहारी जी के दर्शन करने चल रहे हैं, देखिए सब बच्चे बैठे हैं, कैसे लग रहा है? बहुत मजा आ रही है। तो अब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए अभी अभी हम लोग निकले हैं और दूसरी गाड़ी से और भी आ रहे हैं, हमारे मम्मी सासू माँ सब आ रहे हैं पीछे, तो चलते हैं आपको भी दर्शन कराते। अब हम लोग मेरठ पहुंचने वाले हैं, बच्चे देखे कितना मस्ती कर रहा है, ये सो गए हैं। बड़ा आनंद आ रहा है इन लोगों को और बिहारी जी से दर्शन करने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। कितना एक्साइटमेंट है, हम लोग रास्ते में चाय पीने के लिए रुके थे, ये पंडित जी का ढाबा है मेरठ से पहले, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। आप कभी भी इधर से आए तो चाय जरूर पीजिए, मैं भी बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। देखिए सब बैठे हैं, आप देख सकते हैं, और हम लोग ने चाय पी ली है और अब चाय पी के चल रहे हैं। ये है पंडित जी का ढाबा जहाँ से चाय बहुत फेमस है, बहुत अच्छी बनती है, तो आप जब मेरठ आए तो यहाँ पे जरूर चाय पीजिए। और ये टोल प्लाजा पड़ता है यहाँ पे, 2 किलोमीटर के आगे ये पड़ती है, तो आप जरूर पीजिएगा चाय, यहाँ पे बहुत मस्त चाय बनाते हैं। चाय पी के पंडित जी के ढाबे से अब हम लोग जो है चल रहे हैं वृंदावन के लिए, और डायरेक्ट वृंदावन अब चलेंगे, वहीं पे रुकेंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे। देखिए बिट्टो कितनी चहक रही है। अब हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल पे चढ़ गए हैं और अब यहाँ से 20 किलोमीटर बचा है, 20 किलोमीटर से फिर हम लोग पहुँच जाएंगे परी चौक, और परी चौक पहुँच के हम लोग फिर यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे और फिर पहुँचते हैं वृंदावन बिहारी जी के पास। ये तो बच्चे तो सो गए थे फ्रेंड, और अब हम लोग परी चौक पहुँचने वाले हैं, परी चौक से सीधा यमुना एक्सप्रेस वे में चढ़ेंगे और फिर वहाँ से वृंदावन की दूरी थोड़ी सी रह जाती है फ्रेंड, तो पहुँचते हैं वहाँ पर। तो परी चौक पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ परी चौक, ये देखिए परियाँ हैं यहाँ पे। अब हम लोग कुछ ही क्षणों में यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ने वाले हैं, आप देखिए सूर्य भगवान कितनी बढ़िया जगमगाहट करते हुए फ्रेंड, तो बस 5 मिनट के अंतराल में हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे में चढ़ने वाले हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये देखिए यमुना एक्सप्रेस वे पे हम लोग चढ़ गए हैं, ये देखिए फ्रेंड स्टार्ट हो रहा है यमुना एक्सप्रेस वे, आप देख सकते हैं मथुरा 126 किलोमीटर है फ्रेंड, और हम लोग अब ये देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा यमुना एक्सप्रेस वे पे इंटर कर चुके हैं फ्रेंड। तो अब वृंदावन पहुंच के आपको बिहारी जी के दर्शन कराते हैं फ्रेंड। यमुना एक्सप्रेस वे के पहले टोल पे हम लोग रुके हैं, ये बच्चों को भूख लगी थी, ये देखिए ये बच्चों को भूख लगी, दोनों को लग गई बहुत कस के, और अब हम लोग जो है, तो फ्रेंड हम रुक चुके हैं ग्रेटर नोएडा के पहले टोल पे, आप देख रहे हैं सब लोग हम लोग जा रहे हैं, और अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ खाते हैं फ्रेंड, क्योंकि भूख सबको लगी, बच्चों को बहुत तेज भूख लगी है, तो पहुँचते हैं फ्रेंड। फ्रेंड चाय वाय पी ली हम लोगों ने, और चाय वाय पी के अब हम लोग निकल रहे हैं, और बच्चों के लिए पैक करा लिया क्योंकि टाइम है नहीं हम लोगों के पास, टाइम बिल्कुल नहीं है, और फटाफट चलना है, तो अब हम लोग फटाफट निकल रहे हैं, तो आइए चलते हैं फ्रेंड। अब हम लोग हाईवे से उतर गए हैं और अब 5 से 10 मिनट में हम लोग वृंदावन बिहारी जी के पास पहुंच जाएंगे, बस पहुंचने वाले हैं फ्रेंड, 6 किलोमीटर बचा है यहाँ से। परिक्रमा मार्ग में पहुंच चुके हैं और ये देखिए सारे लोग परिक्रमा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे मंकी जी भी परिक्रमा कर रहे हैं, देख सकते हैं आप कितने सारे मंकी हैं, और बस अब हम लोग बिहारी जी के मंदिर में पहुँचने में सिर्फ 2-3 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड अब बिहारी जी के मंदिर हम लोग पहुंच गए, बस अब अंदर जा रहे हैं फ्रेंड, और ये देखिए मेरी राधा रानी लाडू मेरे साथ भी हैं और बाकी सब लोग पीछे आ रहे हैं फ्रेंड। बिहारी जी के दर्शन हो गए हैं, अंदर फोन ज्यादा लाउड नहीं था लेकिन फिर भी मैंने लाइव आया था, लाइव में आप देख लीजिएगा, बाकी आज का ब्लॉग कल आ जाएगा फ्रेंड, तो आप उसमें देख लीजिएगा कि हमने क्या क्या किया। तो अब हम लोग चल रहे हैं बिहारी जी के मंदिर से, निकल चुके हैं दर्शन करके, बहुत अच्छे दर्शन हुए फ्रेंड, देखिए सब लोग आ रहे हैं कितना खुश है, ये देखिए टिक्की खा रहे हैं और गोलगप्पे खा रहे हैं वृंदावन के,
ये देखिए शिवानी जी को देख सकते हैं आप, ये देखिए मेरे साथ सब हम लोग खा रहे हैं, आप भी खाइए ब्रेड की चाट। फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम लोग ने लस्सी पी है और ये देखिए लस्सी पी है और अभी हमने यहाँ पे टिक्की खाई है, बहुत फेमस दुकान है ये, बहुत आनंद आया खा के। प्यारी लाल जी की बोल बाके, प्यारी लाल की जय। फोटो खींचे बोल। अब हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं, अब हम लोग चल रहे हैं सहारनपुर और मम्मी लोग निकल गई हैं कानपुर, तो अब हम लोग चलते हैं, बिहारी जी के दर्शन अच्छे से हो गए हैं तो अब घर पहुंचते हैं फ्रेंड टाइम से। तो फ्रेंड अब हम लोग वृंदावन से निकल चुके हैं, रात के 12 बज रहे हैं, मम्मी लोग निकल चुकी हैं कानपुर के लिए और हम लोग सहारनपुर के लिए, तो सवेरे हम लोग लगभग 5 बजे पहुँचेंगे। तो फ्रेंड इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री श्याम।